नमस्कार, मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। अब बढ़ते हैं आज के मुख्य समाचार की ओर। जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वैशाली जिला के कठरा गांव में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का किया उद्भेदन। नगर निगम प्रशासन द्वारा रौतनिया में कूड़े फेंकने के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर आगजनी कर प्रशासन के खिलाफ दिन भर किया प्रदर्शन। और मिठनपुरा क्लब रोड की जर्जर स्थिति और जलजमाव के खिलाफ साई सेवादार मंच के सदस्यों ने मंत्री सुरेश शर्मा के खिलाफ किया प्रदर्शन। और ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर वैशाली जिला के कठरा ओपी क्षेत्र में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए हथियार के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सिटी SP के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस के साथ वैशाली जिला के कठरा ओपी के एक गाँव में छापेमारी कर एक अवैध गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। छापेमारी के दौरान भारी संख्या में अर्धनिर्मित पिस्टल, लेंथ मशीन समेत 6 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं बताया जा रहा है कि गन फैक्ट्री का सिंडिकेट देश के कई राज्यों से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस सभी बरामद हथियारों को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिला पुलिस 1 महीने के भीतर अवैध रूप से चल रहे 2 गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। सिटी न्यूज से खास बातचीत में सिटी SP नीरज कुमार ने बताया कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, मौके से 6 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया है। ये सर वो क्या है, पूरा मामला क्या है सर, क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई की गई है वही आम सड़की पकड़ा गया है। अच्छा, क्या क्या बरामद क्या क्या है सर? तो फोटोग्राफ भेजा गया है ना। हाँ हाँ सर। जो हाँ, तो उसमें जो अर्धनिर्मित पिस्टल बनाने का जो सब मिला है। लगभग कितने दिनों से संचालित हो रहा था सर ये? डेढ़ साल से करीब, 1-1.5 साल का। अच्छा, तो इसका सिंडिकेट कहाँ का कुछ पता चल पाया है? अभी पूछताछ चल रहा है। अच्छा, फिलहाल कितना हिरासत में है सर? नहीं थम रहा है रौतनिया गांव के ग्रामीणों का आक्रोश। रविवार को भी निगम प्रशासन द्वारा कूड़े फेंके जाने के विरोध में मुजफ्फरपुर वैशाली मुख्य मार्ग को दिन भर जाम कर जमकर बवाल काटा। नगर निगम के रौतनिया कूड़ा डंपिंग स्थल पर निगम प्रशासन द्वारा कूड़ा फेंके जाने का लगातार ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा था, तथा कूड़ा फेंकने पर ग्रामीणों द्वारा रोक भी लगा दी गई थी। शनिवार को ग्रामीणों को समझाने जिलाधिकारी तथा SSP रौतनिया पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा था। रविवार को रौतनिया गांव के लोगों का गुस्सा एक बार फिर जिला प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा और मुजफ्फरपुर वैशाली मुख्य मार्ग को पूर्णतः बंद कर प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीण इतने आक्रोशित थे कि जगह जगह पर टायर जलाकर गुस्से का इजहार कर रहे थे। ग्रामीण दिन भर सड़क को जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं देर शाम प्रशासन की नींद खुली तो मौके पर कई थाना की पुलिस पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत करवाया और आवागमन को सुचारू रूप से चालू करवाया। ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग किसी भी सूरत में रौतनिया डंपिंग ग्राउंड में नगर निगम को कूड़ा नहीं फेंकने देंगे। वो दिन में नहीं गिराने दिया और 2 बजे रात में 200 फोर्स के हाथ में आया कचरा गिराया। हम लोग के महक से गंदगी से रहने नहीं जाता है, बच्चों के और बूढ़ा के बीमारी हो जाता है, इलाज करने जाता है तो डॉक्टर इलाज हाथ नहीं लगाता है। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग कर रहा है कि हमारे आदमी की आदमी के जल्दी छोड़ो वहाँ से, कचरा बंद करो तब बंद करो, नहीं बंद होगा तो दिन रात कचरा आदमी। विरोध 25 वर्षों से हो रहा है समझे, लेकिन प्रशासन का जो रवैया है बिल्कुल खत्म रवैया है। रात में करीब 11 बजे 200 ट्रैक्टर कूड़ा लेके रौतनिया में गिराने के लिए प्रशासन आई चुप चोरी से, और करीब 1000 पुलिस फोर्स के साथ हमारे एक साथी को गिरफ्तार करके ले गए हैं जो सुरेंद्र महतो है। हम लोगों ने उनका
अरेस्टिंग हुआ है। क्या मांग है आप लोग? मेरा मांग है कूड़ा डंपिंग ना हो और मेरा जो साथी गिरफ्तार हुआ है उसको बाइज्जत रिकवरी किया जाए। बचाव विधानसभा की जनता को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता से सीधा संवाद करते हुए सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई। बिहार में चुनाव के शंखनाद होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दल द्वारा कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए पार्टी के बड़े नेता वर्चुअल रैली के माध्यम से उस क्षेत्र के जनता से सीधा संवाद करते हैं। रविवार को बोचहां विधानसभा क्षेत्र के जनता से वर्चुअल रैली के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे संवाद किया। इस मौके पर बोचहां के विधायक बेबी कुमारी समेत 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता मौजूद थे। इसके अलावे ऑनलाइन 4,000 से ऊपर भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। वर्चुअल रैली के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अपने सरकार द्वारा किए गए कार्यों का और एनडीए द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा आम लोगों को बताया। बुझा के विधायक बेबी कुमारी ने कहा कि हम लोग रहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी संबोधन किए हैं। अपने जनता कार्यकर्ता बूथ स्तर कार्यकर्ता इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, उनका उद्बोधन सुने हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इस महामारी में कार्य किए हैं वो अनुकरणीय है और हमारी पार्टी विकास की मुद्दा पर वोट मांगने जाएगी और परिवारवाद सिर्फ अपने बहु बेटी को कहते हैं कि बिहार की बेटी को हमने इज्जत दिया, सम्मान दिया। मैं उदाहरण तौर पर कहूंगी कि एक ही ऐसे प्रधानमंत्री है जो और एनडीए की सरकार ने बहु बेटी को सम्मान देने का काम किया। हमारे एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने अभी पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण देकर हमारी पंचायत लेवल पर महिलाओं की भागीदारी है। अभी हमारी महिलाएं मुखिया भी है, सरपंच भी है, वार्ड सदस्य तक है, पंच तक है। तो सम्मान दिलाने के कारण एक महिला होने के नाते जो पार्टी सम्मान देती है वही विकास करती है। तो एनडीए विकास कर रही है। हम लोग अभी आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी में एक समय था कि 100 सिगरेट का धुआं पीती थी एक दिन में चूल्हा पर, लकड़ी के चूल्हा पर खाना बनाने थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री 7 करोड़ अब आधी आबादी की बात करती है करते हैं तो हमारी सरकार कर रही है 7 करोड़ परिवार को गैस चूल्हा फ्री में देने का काम किया। अभी कोरोना महामारी में 3 महीना तक फ्री में अनाज, 3 महीना तक गैस का पैसा, जनधन का खाता में पैसा, किसान का जो अन्नदाता है उनके सम्मान में 2,000 रुपया खाता में जाने का काम किया है। तो हम लोग हमारी जो कोरोना महामारी में लॉकडाउन में हमारी सरकार जो काम किया है बहुत ही अनुकरणीय है। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष ने कहा कि पूरे बिहार के 243 सीटों पर नेता नहीं कार्यकर्ता लड़ेंगे। विधानसभा का विधानसभा सम्मेलन, इस सम्मेलन में मुख्य रूप से हमारे बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी शामिल हुए थे और हम लोग आप कह सकते हैं कि हमारी पार्टी की बूथ स्तर इतनी मजबूती है कि हम लोग आज डिजिटली मामला से भी जब जुड़े हैं तो लगभग 10,000 से 15,000 लोग इसमें जुड़े हुए थे। हम लोग लगातार चेक कर रहे थे लिंक जूम ऐप के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोग लगभग 15,000 की संख्या में जुड़े हुए थे। फिर बाद में आकलन करेंगे तो जब हम लोग पुरानी का आकलन भी 15-20,000 का कर रहे थे, बाद में जब सारे जगहों से जब इसको चेक किया गया था तो लगभग हम लोग 35,000 से 40,000 की संख्या में लोग इस लिंक से जुड़े थे। तो हमारा उम्मीद है कि इसमें भी हम लोग उतनी ही संख्या में आज जुड़े होंगे। आज हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का उद्घोषण हुआ, बहुत ही चुनाव में उतरने के लिए उन्होंने बहुत सारा मसाला दिया है जिसको लेकर होने वाले आगामी चुनाव में जाएंगे और हम लोग की तैयारी इस ढंग से है कि पूरे जिला में 11 का 11 विधानसभा सीट एनडीए की झोली में जाएगा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ युवा राजद के सदस्यों ने मुशहरी ब्लॉक से बैलगाड़ी से आक्रोश मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया।
रविवार को युवा राजद के सदस्यों ने पूर्व मंत्री रमई राम के नेतृत्व में मुशहरी प्रखंड कार्यालय में बैलगाड़ी पर आक्रोशित मार्च पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर निकाला। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। पूर्व मंत्री का कहना है कि कोरोना के कारण पूर्व से ही लोगों की जेब खाली है और भाजपा सरकार लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि कर बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो मुझे राष्ट्रीय जनता के दल के लोग इसका विरोध कर रहे हैं पूरे देश में और राज्य में कि यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा है और राज्य की जनता को कल्याण के लिए उन्हें मदद के लिए अभी हम उसको कम करें उसको खराब नहीं करते हैं तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। जब तक यह इसका दाम बढ़ा रहे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इन्होंने देश के लिए कोई का ऐसा काम नहीं किया, सब जगह इनका शंकामूलक काम हो रहा है, कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है कि देश के मायने में राज्य के मायने में कोई काम नहीं हो रहा है। डबल इंजन फेल हो चुका है और इसको हटाने की जरूरत है और दोनों को तो हम इन तीनों को जो पेट्रोलियम मंत्री है जो आपको आपको प्रधानमंत्री है और यहाँ के मुख्यमंत्री उनका दाह संस्कार अभी किया जाएगा। आप उसे अपनी निरोग आंखों से देखेंगे। मैं नीचे शब्द अपनी बात। पानी टंकी स्थित क्लब रोड की जर्जर स्थिति और जलजमाव को लेकर साई सेवादान मंच के सदस्यों ने निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए मंत्री सुरेश शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगाए। पानी टंकी चौक के समीप मिठनपुरा जाने वाले मुख्य मार्ग की जर्जर स्थिति तथा जलजमाव की समस्या को लेकर लगातार आम लोगों द्वारा प्रदर्शन किए जाने के बाद भी नगर निगम प्रशासन की नींद नहीं खुलती है। रविवार को फिर इस समस्या को लेकर साई सेवादार मंच के सदस्यों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मंच के सदस्यों ने नगर विकास मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर के इस दुर्दशा का जिम्मेदार मंत्री को ठहराया। ये स्थिति है जिसको लेकर के हमारे नगर विकास आवास मंत्री माननीय सुरेश शर्मा जी का आज उनका जो 5 साल का क्रियाकलाप रहा जिसकी श्रद्धांजलि हम लोग देते हुए जिसका सम्मान करते हुए आज हम लोगों ने नगर विकास आवास मंत्री जी के इस मूर्ति का यहाँ पर अनावरण करने का काम किया है सेवाधार मंच के माध्यम से। हमारे साथ हैं वोटर्स इंटरनेशनल पार्टी के सुखदेव प्रसाद जी जो पूर्व सांसद प्रत्याशी रहे हैं, अशोक कुमार देशभक्त जी हैं, आमिर हसन जी हैं, गुलाब जहेब भाई जी हैं। हम लोगों की एक ही मांग है कि शहर की जो नरक की स्थिति सुरेश शर्मा जी ने बनाया है उसको लेकर के हम लोग हर चौक चौराहों पर इनकी इस मूर्ति का अनावरण करने की योजना बनाया है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अध्यक्ष शिशु विभाग केजरीवाल मातृ सदन, मैं आज सिटी न्यूज के 8वें वर्षगांठ पर सिटी न्यूज को अपनी हार्दिक शुभकामना देता हूँ और दिन पर दिन आगे की ओर सिटी न्यूज बढ़े, हम लोगों को सच्ची खबर हर खबर से रूबरू कराते रहें इसकी कामनाओं के साथ मैं इनका इनको बहुत आशीष देता हूं जो लोगों ने इसमें जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों। और आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी है कोरोना, उसके विषय में मैं अपने लोगों को अपने यहां के शहर के लोगों को ये विनती करता हूं कि आप कृपया थोड़ा सा डिस्टेंस बना के एक दूसरे से रहें, भीड़ में जब भी निकलें तो मास्क लगाना जरूरी है, ये मास्क लगाना, और जब भी आप कोई काम करें या किसी आदमी से मिलें तो आप सैनिटाइज करें अपने हाथ को जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ये जरूर करें। साबुन से जितनी बार आप हाथ धोएंगे आप समझिए वो कम है, 20 सेकंड तक किसी भी साबुन से आप हाथ धोएं। कोरोना से बचना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है। और छोटे बच्चे को कृपया जरूरत न पड़े तो घर से मत निकालिए, एकदम मत निकालिए, और आपको भी जरूरी हो तो भी घर से निकलिए। धन्यवाद। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खड़ा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। यहाँ हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाए जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स मिठनपुरा नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 800
2479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट को हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहां से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहां से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहां शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटर प्रूफ चूरा, चुंदरी तीन बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का च्वाइस देखते हैं हम लोग, हैं उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स, सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया। और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। लकड़ीढाई मोहल्ले में लगातार जलजमाव के कारण स्थानीय लोग आक्रोशित होकर बांध रोड पर अगजनी कर घंटों जाम कर बवाल काटा। नगर निगम जलजमाव से निजात दिलाने के तमाम दावे कर रही है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। शहर में जलजमाव की समस्या से जूझ रहे लोग लगातार सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन शायद ये बात निगम प्रशासन तक नहीं पहुँच पाती है। कारण यही है कि लोग सड़क जाम कर रास्ता अपना रहे हैं। रविवार को सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के लकड़ी ढाही स्थित श्री नारायण कॉलोनी में जल जमाव से जूझ रहे लोगों ने लकड़ी ढाही अखाड़ा घाट मुख्य सड़क को घेर कर टायर जलाकर जाम कर दिया और नगर निगम एवं स्थानीय वार्ड पार्षद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि मोहल्ले में सड़क और नाला भी बन गया है, लेकिन नाला के पानी के निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। इस कारण थोड़ी भी बारिश होती है तो पूरा मोहल्ला जलमग्न हो जाता है। एक्चुअली हमारा मोहल्ला बहुत पुराना है और इस मोहल्ले में पानी का जमाव, नाला भी बन गया, रोड भी बन गया, लेकिन एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है, सिर्फ निकासी का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि उसका मुंह नहीं खुल रहा। नाला भी बन गया है, रोड भी बन गया है, सिर्फ नाला का अगर मुंह खुल जाए तो पानी पास हो जाएगा। एक मकान की वजह से, एक दीवाल है जिसके कारण पूरे 20 घर को यहाँ परेशानी झेलना पड़ता है। इस मोहल्ले में सिर्फ एक दीवाल हट जाएगा, पानी का निकासी चालू हो जाएगा, हम लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी। कौन सा जगह का है ये? लकड़ी राय है, वार्ड नंबर 16 है। पानी हिल रहा है, इधर पानी हिल करके परेशानी उठा रहा है। नाला का पानी है, इधर पानी वर्षा का पानी आ रहा है। क्या जरूरी था उसको नाला बनाने का? पानी निकालने का साधन नहीं है, निकासी नहीं है किधरों, क्या जरूरी था? प्रॉपर क्या समस्या हो रहा है? घर से निकलने में कितनी कठिनाई हो रही है? कितने पानी का सामना करना पड़ रहा है? घर पानी है। अच्छा, फिर कैसे बाहर निकलते हैं? कैसे निकलते हैं हम लोग? जो है अपना लान के जा रहे हैं और गंदा पानी है। पार्षद को कंप्लेन की है, पार्षद को बताई है, सबको परेशानी होता है, बच्चे से यानी सब आदमी को। नहीं, पार्षद को बताई है। पार्षद जो है ऐसे यहाँ के कहीं नहीं सुनते हैं तो हम लोग क्या करें? क्या कहता है, क्या आश्वासन मिला है पार्षद? कहते कि लोग आप ही लोग आपस में बांट के जो करना है क्यों करते हैं? पैसा जो है वोट लेने के लिए आते हैं, बस उतना ही जानते हैं। न नाला है, न पानी है, न कुछ नहीं है। बस मिलेगा बैठ गया, करिए अपने से करिए, तो काहे के लिए आते वार्ड पार्षद में वोट लेने के लिए? एबीवीपी के जिलाध्यक्ष ने सरकार द्वारा जानबूझकर एसटीईटी परीक्षा को रद्द करने का आरोप लगाया। कोविड-19 की भयंकर महामारी की आड़ में बिहार सरकार ने चोरी छिपे एसटीईटी की परीक्षा को रद्द कर छात्रों के रोजगार से जुड़ने के विकल्प को ही बंद कर दिया है। ये बातें अखिल विद्यार्थी परिषद के जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को छात्रों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से लड़ रहा है और हमारी सरकार भी, भारत सरकार भी पूरे जोर शोर से इससे लड़ने का काम कर रही है। पूरा समाज उनका सहयोग कर रहा है, विद्यार्थी परिषद भी इस कोविड-19 से हर संभव लड़ने का प्रयास कर रही है। समाज के बीच में जागरूकता अभियान हो, सेवा का काम हो या जो भी काम हो, विद्यार्थी परिषद अपने पूरे बूते के साथ, बल बूते पे पूरा समाज में काम कर रही है और हम लोग इस महामारी से लड़ने का काम कर रहे हैं। मुख्य तौर से आज का मुख्य विषय यह है कि बिहार सरकार ने कोविड-19 जैसे महामारी के बीच में लोगों से नजर छुपाते हुए जिस तरीके से एसटीईटी का जो रिजल्ट आने वाला था उसको अचानक, उस पर एग्जाम को रद्द कर दिया गया। ये एक संदेह उत्पन्न करता है कि अचानक जो आम छात्र, जो मिडिल वर्गीय छात्र होता है, इतना मेहनत करके उसका फॉर्म फिलअप करता है, इतना मेहनत करके पढ़ाई करता है और फिर अचानक से जब उसका रिजल्ट आने वाला होता है तो आप उसको, उस पर एग्जाम को रद्द कर देते हैं और एक साधारण सा आप ये करते हैं, उसमें संदेह जाहिर करते हैं कि उसका जो है फोटो कॉपी करके उसको ये कर दिया गया था। तो ये चूक भी सरकार की है। अगर ये सा कर दिया गया था तो तुरंत उस पर निर्णय लेना था, तुरंत कार्रवाई करनी थी, आपने नहीं किया। और जब रिजल्ट का समय आया तो ऐसा करने का क्या ये हो सकता है? ये कहीं ना कहीं सरकार के मनसे पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और विद्यार्थी परिषद इसका घोर विरोध करती है, घोर निंदा करती है। इस लॉकडाउन के समय में भी हम लोगों ने स्टूडेंट के हित में, छात्रों के हित में लगातार आंदोलन चलाया। सब लोग जानते हैं कि ऑनलाइन हम लोगों ने एसटीईटी का ये किया, ऑनलाइन हम लोगों ने इसका विरोध किया और साथ में धरना प्रदर्शन भी किया। पूरा कोविड-19 जैसे बीमारी का हम लोग ये करते हुए धरना प्रदर्शन भी किया। तो पूरा बिहार का छात्र समुदाय आज पूछ रहा है माननीय नीतीश कुमार जी से, माननीय सत्ताधारी पक्ष के नेता जो हैं, कि आखिरकार आप छात्र हित की बात करते हैं, आखिरकार आप युवाओं के हित की बात करते हैं, ऐसी क्या कौन सी समस्या आ गई कि कल हमारा रिजल्ट प्रसारित होना है और आप उसको आज रद्द कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं घोटाले की तरफ इसको इंगित करता है। इसकी जांच होनी चाहिए। जहां तक न्यायालय का सवाल है, न्यायालय ने भी बताया है कि आप उसकी कॉपी को सुरक्षित रखिए, उसको नष्ट नहीं करिए। इसका मतलब होता है कि न्यायालय को भी इनके शासन पे शक है, इसलिए उसको सुरक्षित करने के लिए बोला जा रहा है। अब
आप ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहे हैं तो हमको आप यह बताइए, पूरा विद्यार्थी परिषद और पूरा विद्यार्थी समाज पूछता है कि ऑनलाइन अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, इलेक्शन का समय आ गया, आचार संहिता में किस तरीके से ऑनलाइन आप एग्जाम लेंगे, पूरा यहाँ का युवा पूछ रहा है। आप एग्जाम लेने के बजाय आप युवाओं को भ्रमित करना, युवाओं को दिग्भ्रमित करना और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना अविलंब बंद करिए। बंद करने के साथ ही वो जो रिजल्ट है उसमें क्या खामी रही है, उसमें कौन से लोग दोषी हैं, उसको आप तुरंत दंडित करने का कार्य करिए। हम सभी जानते हैं विद्यार्थी परिषद ने इसको बड़ी ही गंभीरता से लिया है और लगातार रोल बैक करके हम लोग इसको ये कर रहे हैं, प्रशासन को भी मालूम है। यदि आप इस पर गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आगामी 30 तारीख से हम लोग एक चरणबद्ध आंदोलन का ये करने जा रहे हैं। आप अगर गंभीरता से नहीं लेते तो ये आंदोलन जो है हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा और इसका जो ये होता है कि नहीं, इस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जब तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक हम लोग का ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। विद्यार्थी परिषद पूर्व समय में भी बिहार सरकार को समय समय पर आंख खोलते आई है और समय समय पर छात्र हित में कार्य करते आई है। हम लोग आज भी इस महामारी के समय में भी छात्र हित के लिए हम लोग खड़े हैं और किसी भी तरह से छात्रों के साथ छात्रों का शोषण नहीं होने देंगे, छात्रों के साथ गलत नहीं होने देंगे। विद्यार्थी परिषद ऐसा संकल्प किया है। हमारा जो पिछला हमारा जो प्रदेश कार्य समिति का बैठक हुआ उसमें भी हम लोगों ने तय किया है इस आंदोलन को, इस मुद्दे को गंभीरता से उठाना है और छात्र के भविष्य को बचाना है। उसके बाद हमारा छात्र नेता सम्मेलन ऑनलाइन हुआ है, उसमें भी हम लोग संकल्प लिए हैं कि इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। यदि गजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें कई सदस्यों को शामिल कर स्वागत भी किया गया। रविवार को दादर पुल के बगल में स्थित गरीब जन क्रांति पार्टी के प्रधान कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी में कई नए चेहरे शामिल हुए। वहीं पार्टी के पुराने महासचिव शैलेंद्र कुमार सुमन को पुनः नए सिरे से प्रधान महासचिव का पदभार दिया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण उर्फ कवि जी ने बताया कि पार्टी मुजफ्फरपुर विधानसभा के सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का काम करेगी जिसकी शुरुआत आज से की गई है। आज का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था कि विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा था और उसके बाद हमारे नए साथी कुछ पार्टी ज्वाइन किए हैं और पुराने जो राष्ट्रीय महासचिव थे उन्होंने अपने निजी कारणों से पार्टी से अलग हो गए थे, वो पुनः पार्टी में अपना योगदान देने के लिए इच्छुक थे। आज उन लोगों ने पुनः पार्टी का सदस्यता लिया है और उनको शैलेंद्र कुमार सुमन जी हैं उनको पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव का पद जो जैसे पहले था वैसे पुनः इस पद पर काम करेंगे। साथ ही अभिषेक ठाकुर जी जो युवा विकास दल चलाते हैं और शहर के एक युवा क्रांतिकारी नेता हैं जो हमेशा हर मुद्दों पर खुलकर के बात रखते हैं और मुजफ्फरपुर के लिए उन्होंने भी संघर्ष किया है, संघर्ष करते रहते हैं, उन्होंने आज अपने सभी साथियों के साथ दर्जनों साथियों के साथ पार्टी का सदस्यता लिया है और उनके काम को देखते हुए उनके जज्बा जुनून को देखते हुए हम पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पदभार दिया है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने आज तक मुजफ्फरपुर में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए निरंतर आंदोलन किए हैं और काम किए हैं। मुजफ्फरपुर के हर समस्याओं पर चाहे किसान का हो, गरीब का हो, मजदूर का हो, स्वास्थ्य व्यवस्था का हो, जो प्राइवेट स्वास्थ्य हॉस्पिटल है उसके जो लूट खसोट के खिलाफ हो उसके लिए आंदोलन किया है और उसी के काम के आधार पर हम लोग विधानसभा चुनाव में जाएंगे और मुजफ्फरपुर के 11 विधानसभा के साथ साथ मुजफ्फरपुर के समीपवर्ती विधानसभा पर हमारा मुख्य रूप से फोकस है क्योंकि हमने वहाँ काम किया है। जहाँ हम लोगों ने काम नहीं किया है वो हमारे प्राथमिकता में नहीं है, लेकिन जहाँ हम लोगों ने काम किया है वह विधानसभा हमारे प्राथमिकता में है और वहाँ हम पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। साथ ही अब जो भी जन समस्याएं हैं उस पर निरंतर आंदोलन हमारा चलता रहेगा और जब तक समस्याओं में सुधार नहीं होता है तब तक हम लोग आंदोलन बंद नहीं करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।